हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET एग्जाम स्कूटनी में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें एंड ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछले दो दिनों से कि सर मैंने जब आंसर की का मिलान किया तो मेरे 53 नंबर हैं, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरे केवल 22 मार्क्स आए। बहुत सारे ये कमेंट आ रहे कि सर मेरे नंबर 5 नंबर कम हो गए आंसर सीट से मिलान करने पर, सर मेरे 4 कम हो गए, मेरे 10 कम हो गए। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या राज है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET के होम पेज पर। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। यहाँ पर लिखा है कि आप स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है आपको आवेदन, तो अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सर मैं अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भूल गया हूँ, अब मैं रिजल्ट अपना कैसे देखूँ। तो आप उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस के कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं अपना आईडी एंड पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, आंसर की आपकी प्रदर्शित कर दी गई है जिसका OMR सीट से आपसे मिलान कर लें। तो फ्रेंड्स, यहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर कि जब स्टूडेंट्स ने OMR सीट से जो कार्बन कॉपी आपको घर के लिए दी गई थी उससे और आंसर की को मिलान किया तो उनके नंबर ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो लगभग किसी के 4, किसी के 10, किसी के 15, तो किसी के 20, मैक्सिमम 20-25 तक नंबर कम उसमें अपलोड हुए हैं। तो मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सर इतने नंबर कम मेरे नहीं है, मैंने बिल्कुल अच्छे से आंसर सीट को पढ़ लिया है, आंसर की से अपना मिलान कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, आप ये स्कूटनी लगा सकते हैं। इसकी फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो आपके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी लॉगिन एंड पासवर्ड के माध्यम से स्कूटनी के लिए आवेदन करना होगा। अगर आपकी आपत्ति जो आप कर रहे हैं कि सर मेरे 53 नंबर हैं, सर मेरे 48 नंबर हैं, मेरे कम नंबर नहीं होंगे, तो अगर आपकी ये आपत्ति सही पाई गई तो आपका ये शुल्क जो आप 500 रुपये लिया गया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार अच्छे से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आंसर की PDF प्रोवाइड कर दी है, आप बिल्कुल उससे मिलान कर लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप बिल्कुल अच्छे से उसको मिलान कर लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़ हुआ है, मेरे कम नंबर अपलोड हुए हैं, तो फ्रेंड्स जैसे ही स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो जाएंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आप बता सकूँ कि आपकी कितनी रैंक इसमें आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।